पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि जो पैकेज राहत के तौर पे हमारी सरकार ने घोषित किया है 4500 करोड़ रुपए का, उसमें किस तरह से उसको लोगों तक राहत पहुंचानी है और कौन से लोग उसमें कैसे लाभान्वित होंगे, जिनके अपने घर ख़त्म हो गए हैं या पार्शली डैमेज हुए हैं या फसलें खराब हुई है। जहाँ तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि उनको पूरा डिटेल देना चाहिए। ये बिल्कुल निराधार आरोप है, गलत आरोप है, ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से ये जो है स्टेटमेंट है। बिल्कुल आप समझते हैं जिसका नुकसान होता है उसका पूरा आंकलन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी से लेकर पूरे रेवेन्यू के लोग, वीडियो से लेकर एसडीएम तक, डीसी तक, पूरी लिस्टें बनती है, वेरिफिकेशन होती है और वहाँ के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी होती है कि अगर गलत होगा तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति छूटा है तो उसको अभी भी अपने आप को शामिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास जाना चाहिए और जयराम जी को भी ऐसी लिस्ट बतानी चाहिए कि कहाँ पर उनको लगता है कि केवल कांग्रेस के लोगों को ये राहत मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।